उस्मान डार ने सानिहा 9 मई का जिम्मेदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में सनसनीखेज इंकशाफात, कहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कोर कमेटी इजलास में हिदायत दी कि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में फौजी तनसीबात पर हमला किए जाएं। जमान पार्क में कारकुनों की जहन साजी की गई। अक्टूबर में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती को रुकवाने के लिए किया गया। उस्मान डार ने पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान भी किया। एक बार फिर -1 फार्मूले की गूंज, आरिफ अलवी को चेयरमैन पीटीआई बना दें। मोहम्मद अली दुरानी ने साबिक वजीर आजम को अटक जेल में पैगाम पहुंचाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस रख दिए गए। सोच समझ के साथ मामला फहमी से काम लेने का मशवरा। सदर आरिफ अलवी ने पिछले दिनों तवील दौरा लाहौर में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया, बहनों और करीबी दोस्तों से मिलकर मामला उनके सामने रखा था। जराए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को कुछ देर के लिए पार्टी मामला से किनारा कशी के लिए कायल करने की कोशिशें जारी। शाह महमूद कुरैशी भी चेयरमैन पीटीआई बनने के ख्वाहिशमंद हैं। इंतकाम नहीं खिदमत, नून लीग का नया बयानिया। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवामी राबता मुहिम शुरू कर दी। लाहौर में अवामी इज्तमा से खिताब में कहा, नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं मुल्क को खुशहाल करने आ रहे हैं। अल्लाह को मंजूर हुआ तो पाकिस्तान का बेटा 21 अक्टूबर को वापस आएगा, कहा नवाज शरीफ से साजिश करके इकतदार छीना गया। साजिशी किरदार आज सबके सामने है। माजी में जब नून लीग की हुकूमत आई तो मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ ने शबाना रोज मेहनत करके लोड शेडिंग का खात्मा किया। उनके दौर में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। नवाज शरीफ ने अमेरिका का दबाव मुस्तरद करके मुल्क को एटमी ताकत बनाया। कारकुन 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनारे पाकिस्तान पहुंचे। नवाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून में कौन भारी, शीन या मीम? पार्टी की अंदरूनी चपकलिश की वजह से शादरा जलसे में बंदे इकट्ठे ना हो सके, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक हल्के के साबिक एमपीज गजाली सलीम भट्ट और समीउल्लाह शहबाज शरीफ कैंप का हिस्सा, दोनों जलसे में शरीक ही नहीं हुए। साबिक एमएनए मलिक रियाज मरीम नवाज कैंप का हिस्सा। साबिक यूसी चेयरमैन आबिद खान हल्के के अहम तरीन खिलाड़ी बन गए। लीग के जराए के मुताबिक लाहौर में कारकुन मरीम नवाज से खुश नहीं, कारकुन इकट्ठा करने का गुड़ हमजा शहबाज ही जानते हैं। इलेक्शन की तारीख पर साबिक हुकूमती इत्तेहादियों में ठन गई। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो में लफ्जी गोलाबारी जारी। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन मुलतवी करने का जवाब पेश किया तो बिलावल भुट्टो ने तानों की बारिश कर दी। सिंध में मुतहदा जेडीए और जेएचयूआई का इत्तेहाद भी पीपल्स पार्टी को चुभने लगा। पीपल्स पार्टी के पंजाब में सियासी परिंदों को जाल में फांसने की कोशिशें भी नाकाम। तमाम उम्मीदें सिंध तक महदूद रह जाने के खौफ ने बिलावल को जारहाना इनिंग्स खेलने पर मजबूर कर दिया। इलेक्शन की तारीख देने के लिए सदर मुमलिकत के आईनी किरदार अदा ना करने पर चेयरमैन पीटीआई रंजीदा हैं। अलीमा खान की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा चेयरमैन पीटीआई कमजोर हो रहे हैं लेकिन उनके जज्बे बुलंद हैं। साबिक वजीर आजम का पैगाम है कि किसी की उनसे बात नहीं हुई। उन्हें साइफर केस में लंबे अरसे के लिए जेल में मुंतकिल करने की तैयारी हो रही है। साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए के इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई पर 9 अक्टूबर को ही फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। मुलजिमान में चालान की नकुल तकसीम किए बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। मुलजिमान के वकला की जेल में होने वाली समाअत रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जज अबुल हसनान जुल्कुलैन ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट का कोई हुक्म इम्तना नहीं, समाअत नहीं रोकी जा सकती। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जेल में पहली मुलाकात, हाथ मिलाया, एक दूसरे के साथ कुछ देर के लिए सरगोशियों में गुफ्तगू। अदालत में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी सलाखों के पीछे कुर्सी पर बैठे रहे। चेयरमैन पीटीआई बजाय नॉर्मल सूरत हाल में नजर आए, वजन कम लग रहा था। चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला ने अडियाला जेल में सहूलियात से मुतालिक
कोई शिकायत नहीं की। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। साबिक सूबाई वजीर शर्जील नामीमन का पिशावर में तकरीबात से खिताब। पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को सोशल मीडिया का दहशतगर्द करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई और परवेज खटक पर तनकीदी तीर बरसाते हुए कहा, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का बेहतर इमेज सोशल मीडिया पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। अवाम जिसे मैंडेट दे वो पार्टी मुल्क संभाले। बातों बातों में एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात का दावा भी करते हैं। भगौड़े यूट्यूबर की भारतीय रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से मुबैना खुफिया गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में भगौड़े यूट्यूबर को रोहित शर्मा से बातचीत करते सुना जा सकता है। ऑडियो में रोहित शर्मा भगौड़े यूट्यूबर को लंदन में रॉ के लॉयर से मिलकर ISI को बदनाम करने का कह रहे हैं। कॉल साबित करती है भगोड़ा यूट्यूबर बाकायदा तौर पर भारतीय रॉ के साथ रबते में है। यूट्यूबर अपने सारे बरतानिया के मामला भारतीय रॉ के लोगों से तय करता है। भगोड़ा यूट्यूबर भारतीय रॉ के लोगों से हर वक्त रबते में रहता है। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम की शिरकत। चारों वज़रा आला चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। इजलास में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायजा लिया गया। सऊदी अरब, चीन समेत खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी पर भी गौर। टेलीकॉम सेक्टर में इजाफी स्पेक्ट्रम की नीलामी से मुतलिक उमूर। मादनियात, ज़रात, कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबा जात में मनसूबों का जायजा लिया गया। चेयरमैन नेप्रा पर करप्शन के इल्जामात। NTDC के तीन अफसरों ने नैब को खत लिख दिया। नैब ने वसीम मुख्तार, अहमद तैमूर, नासिर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पावर डिवीजन को खत लिख दिया। चीनी कॉन्ट्रैक्टर से 2 अरब रुपए किक बैक लेने का इल्जाम लिखा। तीनों अफसर मुस्लिम लीग नून के वफादार और अपने आकाओं के लिए मनी मेकिंग मशीन है। इलेक्शन कमीशन में भी फवाद हसन फवाद और नून लीग से वाबस्ता दीगर अराकीन को काबीना से हटाने की इस्तदा की जा चुकी। लगता है नवाज शरीफ को दवाई मिल गई जिसे वो 3 साल से ढूंढते रहे। उन्हें 3 साल पहले ही पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। असद उमर कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन तरीके इंसाफ कोर्ट से रिलीफ मिलने पर इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबात का ऐलान होने दें, सबको कैंपेन करने की इजाजत मिलेगी। जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में पेशरफ। पुलिस ने असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की गिरफ्तारी मांगी। इन सदात दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तीनों की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा तीनों मुलजमान जिना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए। वकील बुरहान मुअज्जम ने कहा हमें वो बयान दिखाए जाएं जिसकी रोशनी में कसूरवार करार दिया गया। तफ्तीशी अफसर की 161 के तमाम बयान दिखाने पर आमादगी। अदालत ने असद उमर को 3 केसेस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। ओकारा एंटी करप्शन अदालत ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। एंटी करप्शन ने उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। आर्मी चीफ की हिदायत पर डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां काम कर गईं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 4 पैसे सस्ता, डॉलर 284 रुपये 68 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 1 रुपया कमी से डॉलर 285 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 47,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली।